उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की करीब 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को मेरठ पुलिस प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। पुलिस फैक्ट्री में अवैध रूप से मीट का कारोबार करने के मामले में हाजी याकूब की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने संपत्ति की कुर्की के लिए कोर्ट में दोबारा अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हाजी याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटे खरखोद में दर्ज मुकदमे में फिलहाल फरार चल रहे हैं। पुलिस के नोटिस और कोर्ट के आदेश के बावजूद तीनों में से कोई भी अभी तक कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ था। इसी के चलते ये कार्रवाई बुधवार को मेरठ पुलिस प्रशासन की टीम ने की है। एसपी देहात केशव कुमार ने बताया कि फैक्ट्री के अंदर रखे मीट के निस्तारण और याकूब के संपत्ति कुर्क करने के लिए दोबारा कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। इस पर सुनवाई के लिए अदालत ने 12 जुलाई की तारीख तय की थी। कोर्ट ने पुलिस द्वारा लगाई गई अर्जी को स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस हाजी याकूब की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क करने पहुंची। जानकारी के मुताबिक हाजी याकूब के घर में उनके रिश्तेदार हाजी आबिद व उनका नौकर धर्म सिंह मिले हैं। इनकी अगुवाई में पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई के पुलिस को घर के अंदर एसी व पंखे चलते मिले हैं। एसपी चंद्रकांत मीणा, सीओ किठौर अमित राय, सीओ रूपाली राय, सीओ कोतवाली अरविंद चौरसिया भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद थे। हापुड़ रोड पर याकूब कुरैशी की फैक्ट्री में 31 मार्च की आधी रात के बाद पुलिस ने अवैध तरीके से मीट की पैकिंग करते 10 कर्मचारियों को रंगे हाथ दबोचा था, जिसके बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया था। इस मुकदमे में याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे इमरान और फिरोज समेत 17 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। पुलिस का कहना है कि याकूब कुरैशी के घर पर कुर्की वारंट चस्पा किया गया था, जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया था कि याकूब अपने परिवार के साथ कोर्ट में पेश हो जाएं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद भी कोई नामजद आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। किठौर थाने में याकूब और उनके बेटों समेत 6 आरोपियों पर फिर से मुकदमा दर्ज कराया गया। एसपी देहात केशव कुमार ने बताया कि पुलिस कुर्की करने की तैयारी में लगी है। याकूब और उनके दोनों बेटों की तलाश में पुलिस की दबिश चल रही है। मीट फैक्ट्री में अवैध पैकेजिंग के मामले में हाजी याकूब, उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे इमरान और फिरोज नामजद हुए थे। कोर्ट से याकूब और उनके दोनों बेटों को राहत नहीं मिली, जबकि पत्नी संजीदा बेगम को सशर्त अग्रिम जमानत मिल गई थी। इसलिए इसी मामले में हाजी याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटे फरार हैं। बुधवार को पुलिस प्रशासन की टीम ने हाजी याकूब कुरैशी की कोठी और फैक्ट्री पर कुर्की की कार्रवाई शुरू की है। करीब 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहा। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।